अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। ऐसा कहा था भारतीय सेना के फील्ड मार्शल रहे सैम मानेकशॉ ने। गोरखा रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जिसकी बहादुरी को पूरा विश्व सलाम करता है, जिसका दूसरा नाम है बलिदान, जिसके हथियार उठाने से ही दुश्मन थर थर कांप उठते हैं। विश्व युद्ध से लेकर भारत की सेना का हिस्सा बन पाकिस्तान को धूल चटाने की बात हो या चीन को आईना दिखाने की, गोरखा रेजिमेंट ने हर बार एक ऐसी मिसाल पेश की जिससे ब्रिटिश भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। लेकिन भारतीय सेना में नेपाली गोरखा अब क्यों भर्ती नहीं हो रहे हैं? क्या भारतीय सेना से अब नेपाली सैनिक पूरी तरह से गायब हो जाएंगे? ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दरअसल नेपाली गोरखा भारतीय सेना का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका इंडियन आर्मी में आना बंद हो गया है। पिछले साल जब अग्निवीरों की भर्ती हुई तो भारतीय सेना ने नेपाल में भी गोरखाओं के लिए भर्ती रैली के आयोजन की तारीख तय की, लेकिन नेपाल सरकार की इजाजत न मिलने की वजह से भर्ती रैली नहीं हो पाई। उस वक्त नेपाल में सियासी उथल पुथल मची हुई थी। वहां के प्रशासन ने कहा कि नेपाली नौजवान अग्निपथ स्कीम में आएंगे या नहीं, इसका फैसला नई सरकार लेगी। लेकिन अभी तक भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है कि नेपाल के गोरखा भारतीय सेना में भर्ती होंगे या नहीं। दरअसल नेपाली गोरखा की भर्ती को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना में गोरखा की 7 रेजिमेंट हैं। आर्मी की हर इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों वाली बटालियन में करीब 800 जवान और JCO गोरखा होते हैं। आजादी के वक्त 10 गोरखा रेजिमेंट थी। उनका भारत और ब्रिटेन के बीच बंटवारा हुआ, 6 भारत के हिस्से आई, 3 ब्रिटेन को मिली और 1 डिसबैंड कर दी गई। आजादी के बाद भारतीय सेना ने एक और गोरखा रेजिमेंट बनाई। आजादी के वक्त तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% तक गोरखा जवान नेपाल के होते थे। भारतीय गोरखा की संख्या करीब 10% थी, लेकिन धीरे धीरे इस रेशियो को बदलने की कोशिश हुई। पहले नेपाल की गोरखा और भारतीय गोरखा के बीच रेशियो 80-20 का किया गया, फिर भारतीय गोरखाओं को और तवज्जो दी गई। फिलहाल ये सेना में नेपाली और भारतीय गोरखाओं का रेशियो 60-40 का है। पिछले साल अग्निवीर की भर्ती में जब नेपाल के गोरखा नहीं आए तो उनके लिए जो रिक्तियां थी उन्हें भारतीय गोरखाओं से ही भर लिया गया। हालांकि एक साल पहले तक भारतीय मूल के गोरखाओं की भी कमी चल रही थी, इसलिए कुछ रियायत देकर गोरखा रेजिमेंट में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों को भी भर्ती किया गया, क्योंकि ये लोग काफी हद तक गोरखा के समान हैं। इनकी और गोरखाओं की संस्कृति और खान पान से लेकर भौगोलिक परिस्थितियों में भी काफी समानता है। नेपाली सैनिकों को गोरखा कहा जाता है। इनका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिकों में होता है। गोरखा नाम पहाड़ी शहर गोरखा से आया है। इसी शहर से नेपाली साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था। गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन्हें ये नाम 8वीं सदी में हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। नेपाली जवानों की भारतीय सेना में भर्ती क्यों? भारतीय सेना में नेपाली गोरखा की एंट्री 200 साल पहले हुई थी, जब अंग्रेज नेपाल पर भी कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नेपाल पर हमला कर दिया। ये युद्ध 1 साल से भी लंबे समय तक चला। आखिरकार सुगौली की संधि ने युद्ध को खत्म किया। इस जंग में नेपाली सैनिकों की बहादुरी देखकर अंग्रेज प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल किया जाए। इसके लिए 24 अप्रैल 1815 में नई रेजिमेंट बनाई गई, जिसमें गोरखाओं को भर्ती किया गया। ब्रिटिश इंडिया की सेना में रहते हुए गोरखाओं ने दुनिया भर में कई अहम जंग लड़ी। आजादी के बाद नवंबर 1947 में यूके, भारत और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके तहत ब्रिटिश और समझौते के तहत 6 रेजिमेंट भारत और 4 रेजिमेंट ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनी, लेकिन 4 रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने ब्रिटेन जाने से मना कर दिया। तब भारत ने 11वीं रेजिमेंट बनाई। भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती की जाती है। आजादी के समय ब्रिटिश सेना में गोरखाओं की 10 रेजिमेंट थी। भारत और नेपाल का रिश्ता हमेशा से ही दोस्ती से बढ़कर रहा है और गोरखा रेजिमेंट का भारतीय सेना में होना दोनों ही देशों के लिए हमेशा से खास रहा है। लेकिन अब भारतीय सेना में नेपाली युवा शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर भारत और नेपाल सरकार भी विराम लगा सकती है।